सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं और पाएं हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पेंटर बाबू। ये अक्सर दीवार वगैरह पे जो भी पेंटिंग का काम होता है, ये बड़ा ही कुछ मुश्किल काम होता है, और ये स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम करते हैं। तो आज ये आए हुए हैं, तो इन्हीं को हम लगा दिया है कि आप भाई थोड़ा प्रिंटिंग कीजिए। तो देखिए किस तरह से प्रिंट करते हैं। एक डॉक्टर का जो पैड है वही है, तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट करते हैं। हालांकि ये खड़े होकर प्रिंट करते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह से, और ये तो बेहतरीन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चांदसी क्लिनिक का है, और देखिए किस तरह से चला रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से, ये बहुत ही पुराने पेंटर है और फिलहाल अभी स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी ये बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं। इसमें साइज वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट है, और इनके जो स्टेपर चलाने का तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बड़े मुश्किल से ही आ पाते हैं, लेकिन हम इनको बुला लाए हैं यहाँ पे। और ये ऐसे काम खड़े भी होकर किया जा सकता है और बैठ कर भी किया जा सकता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये किस तरह से हमारा जो प्रिंट है वो ये निकाल रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। तो चलिए पेंटर बाबू, ये बात बताइए कि ये जो कलर चलता है ये तो अलग होता है, जो आप लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, ये कलर भी लेकर आए हैं। देखिए किस तरह सा कि ये कौन सा कलर है इसमें, बड़ा ही ये नारंगी कलर जैसा इसमें दिख रहा है। तो ये कौन सा कलर है? ये मैट है। मैट है जो दीवार पेंट वगैरह किया जाता है, अगर मैट को इस पे चलाया जाए तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है? बढ़िया रिजल्ट। और धोने वगैरह में? धोने में पानी से धोया जाएगा। और नाइट्रो वगैरह से? नहीं, नाइट्रो से नहीं। और ऐसा हो कि वो छूटे ही नहीं तो? नहीं, ऐसा बातें नहीं है। अगर नहीं छूट रहा है तो थोड़ा सा उसमें आप सर्फ या साबुन लगा कर धो सकते हैं। तो अभी तो हम वैसा ट्राई किए नहीं है, हालांकि अभी तो मान लीजिए कि उसको चला कर थोड़ा, मगर अभी शादी वगैरह का मैटर हमारे पास नहीं है, नहीं तो उसको चला कर हम देखते। तो अब इस पे तो मान लीजिए कि चलाना थोड़ा वो नहीं होगा, रेड कलर में वो आ जाएगा डॉक्टर का पैड, तो थोड़ा वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से ये इस पे जो दीवार वगैरह पे है ये मैट का कलर चलाते हैं, और उसमें कुछ कलर वगैरह भी मिक्स, कौन कौन सा कलर उस पे चलाया जाता है? दीवार पर तो सभी कलर मिल जाता है, लेकिन ब्लैक नहीं मिलता है इसका। ब्लैक नहीं मिलता है तो ब्लैक बनाया जाता है। ब्लैक कौन कौन से कलर को मिक्स करके ब्लैक बना देते हैं? ब्लैक बनाने के लिए हम भी डलाएगा, वो थोड़ा सा रहेगा, ब्लैक स्टेनर डलाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी तो ब्लैक कलर हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और देखिए जो हमारे सब्सक्राइबर है या जो भी दर्शक है, उनके पास मीटर खोलने का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो मीटर खोलने के बारे में आप कुछ बताइए हम लोगों को कि मेटर, मान लीजिए कि हम सोना कोट डाल दिए, सोना कोट फ्रेम के इतना ले लिए, और सनफ्लाइजर अगर बूंद के हिसाब से एक पैकेट को हम 50 ml पानी में घोल दे तो कितना बूंद उसमें डाला जाए तो हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आप जो सोना कोट जो इति करते हैं, अगर ढक्कन से एक ढक्कन डालते हैं सोना कोट का जो एक ढक्कन में 7 बूंद डाला जाता है। अच्छा, एक ढक्कन में 7 बूंद डाला जाता है, तो एक ढक्कन तो मान लीजिए कि थोड़ा ज्यादा बड़ा फ्रेम के लिए हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसमें 7 या 8 या 10 बूंद आप यूज कर सकते हैं। 7 बूंद परफेक्ट है। 7 बूंद में आपका टाइमिंग कम से कम 15 से 17 मिनट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, 15 से 20 सेकंड, ऐसा हम भी बताते हैं।
और एक बार आप ही बताए थे कि अगर मीटर आपका हार्ड हो जाता है तो थोड़ा सा डिकोडर उसमें डालकर आप उसको सही कर सकते हैं, और उसको हम आजमाए भी है, जो हमारे और भी सब्सक्राइबर है वो भी आजमाए हुए हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुल जाता है। अगर देखिए कुछ लोगों के पास ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो रेड कलर है हमारा, इसमें का ये रेड कलर है, वो धोने पे नाइट्रो वगैरह से भी धोने पे नहीं छूट पा रहा है, तो इसका क्या उपाय है? बात ऐसा है कि फ्रेम जो भी साफ करता है जी, या कपड़ा जो भी साफ करता है जी, उससे आंधे नाइट्रो या आंधे डिकोटर लगाकर साफ कर देता है, ठीक है, हाथ से उसको आंधे रगड़ता नहीं, कम से कम रगड़न होना चाहिए ताकि हाथ से यानी बढ़िया से रगड़ना पड़ेगा, उसमें ग्रुप होता है जी, ठीक है, जो हम लोग कपड़ा यूज करते हैं उसमें ग्रुप होता है जी जी, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग आंधे ये थी सियाई यूज करते हैं जी, यूज करके या फ्रेम खोल कर रख देते हैं जी जी, सूख जाता है जी, उसके बाद हम लोग नाइट्रो गिराते हैं, वो नाइट्रो से उसको धोते हैं जी, तो कुछ अंश उसमें रह जाता है, और हाथ से बढ़िया से अगर उसको रगड़ कर अगर नाइट्रो डालते हुए और वाशिंग पाउडर डालते हुए उसको हाथ से बढ़िया से रगड़ना पड़ेगा तब वो जाकर छूटेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रेड कलर नहीं छूटता है तो उसको हाथ से आपको नाइट्रो और जो वाशिंग पाउडर होता है उसे डालकर बढ़िया से हमें रगड़ना होगा तब जाकर। अगर मान लीजिए कि हमारा जो सोना कोट है वो कभी कभार नहीं छूटता है कई बार, ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? वही डिकोडर लगाइए, डिकोडर उसके छिड़क कर अगर हमें एक दो घंटे उसको फुला दें, ठीक है, भिगो कर और डिकोडर उसपे छिड़क कर और फिर एक आध घंटे हम उसको रख दें, और रखने के बाद फिर उसको हाथ से रगड़ लें, हल्का हाथ से रगड़िए। अगर मान लीजिए कि इसको जो हमारा सोना कोट है वो ज्यादा धूप में अगर हम छोड़ देते हैं तो उस सख्त हो जाएगा, ज्यादा छूटने में तो प्रॉब्लम होगा इस तरह से, ठीक है, उसको तो अगर हमारा मेटर खुल जाता है तो उसे जब सूख जाए तो हमें आसानी से उसे लाद देना चाहिए, यानी दिन दिन भर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि वो किसी भी तरह से दिन भर नहीं छूटे। और हमारे पेंटर साहब जब कहीं पेंटिंग करते हैं तब हम जाकर इनका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, या हम भी बोले हैं इनको थोड़ा हमारे दुकान में पेंटिंग करना है, तो अगर ये पेंटिंग करते हैं तो उसका वीडियो हम आपको जरूर सुपुर्द करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।